आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 18 का, जिसका उन्वान है अब्र बहार। अब्र के माने होते हैं बच्चों बादलों के, जो बादल बारिश बरसाते हैं उन्हें अब्र कहते हैं। और बहार का मौसम जब सर्दियां जाने वाली होती हैं और गर्मी आने वाली होती हैं, उसके बीच में एक मौसम ऐसा आता है जब फूल खिल जाते हैं, फिजा में चमक आ जाती है, माहौल साफ हो जाता है, वो मौसम बहार का मौसम कहलाता है। बहार के मौसम के अंदर हल्की सी बारिश होती है, उस बारिश के अंदर कितना खूबसूरत नज़ारा रहता है, कितना दिलकश बाग का, जंगलों का, पहाड़ों के नज़ारे हो जाते हैं, उन नज़ारों के बारे में इस नज़्म अब्र बहार में आपको बताया गया है। सबक को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया था। पहले हिस्से के अंदर हमने नज़्म अब्र बहार का मुताला किया और दूसरे हिस्से के अंदर हम इस नज़्म के दिए हुए सवालात की मश्क करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, मश्की सवालात। बच्चों मश्की सवालात के अंदर सबसे पहले आपको बुलंद खानी के लिए कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनको आपको बुलंद आवाज में पढ़ना है, बुलंद आवाज में पढ़ना है, तेज आवाज में पढ़ना है, ताकि आपका तलफ़ ठीक हो सके, तलफ़ सही करना है आपको और लफ्ज़ों की सही अदायगी करनी है। मैं बोलूँगा, आपको मेरे साथ उसको दोहराना है, बुलंद आवाज में दोहराना है। पहला है कुहन, कुहन। कुहन के माना होते हैं बच्चों पुराने के, तो बोलिए जोर से कुहन। आगे आते हैं बदामन, बदामन यानी दामन में, दामन के अंदर समेटे हुए, बदामन। आगे है जमुर्रदी, जमुर्रदी यानी जमुर्रद के जैसा। और जमुर्रद क्या है? एक कीमती पत्थर होता है जिसे पन्ना कहा जाता है, एमराल्ड कहा जाता है, और जो पन्ने की जैसी हरी चीज होती है सब्जी वाली, तो उसको कहेंगे पन्ने के जैसा हरा, तो जमुर्रदी, जमुर्रद के जैसी है। फजा, फजा माहौल। गंजे गुहर, बोलिए तेज आवाज में गंजे गुहर, मोतियों का खजाना। सरोसमन, सरोसमन, सरो यानी एक दरख्त होता है, बहुत ऊंचा लंबा सीधा दरख्त होता है, और समन चमेली को कहा जाता है। तो बोलना है आपको सरोसमन। ये बुलंदखानी हमारी यहां पर अल्फाज मुकम्मल हो गए हैं। आगे आते हैं हम सवाल और जवाब की तरफ। पहला सवाल आपसे पूछता है अब्र बहार के आने से हमारे माहौल में क्या तब्दीली आती है? अब्र बहार के आने के बाद हमारे माहौल में क्या तब्दीली आती है? तो बच्चों बहार के मौसम मैंने आपको बताया कि फूल खिल जाते हैं, चमन रंगीन हो जाता है, तरह तरह के फूल खिल जाते हैं, चमन के अंदर तरह तरह की खुशबुओं से चमन महक जाता है, सब्ज़ा बढ़ जाता है, हर तरह हरियाली ही हरियाली नज़र आती है, सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है, बाग पहाड़ दरख्त वो धुलकर साफ हो जाते हैं, नज़ारों के अंदर चमक और दमक पैदा हो जाती है। देखिए आप इसको लिखना है कि अब्र बहार के आने से माहौल में शादाबी आ जाती है, हर तरफ सब्ज़ा हो जाता है और बहुत ही दिलकश फ़जा हो जाती है, माहौल बहुत दिलकश हो जाता है, मदहोश करने वाला माहौल और नज़ारे हो जाते हैं कि अगर देखे शख्स तो उसी के अंदर खो जाए और उसी के अंदर मदहोश होता चला जाए। एक जगह दिया भी है नज़्म के अंदर कि मैं का असर दिया है अब्र बहार तूने, इस माहौल के अंदर मैं का असर यानी शराब का असर भर दिया है अब्र बहार, और ऐसा लग रहा है कि इसको देखने वाला उसके ऊपर भी असर हो रहा है मैं का, उसके ऊपर भी मदहोशी तारी हो रही है, नशा आने लग जाता है। तो बहुत खूबसूरत और दिलकश माहौल और बहुत अच्छे नज़ारे अब्र बहार के बदौलत बहार के मौसम में बागों के, चमन के, जंगलों के हो जाते हैं। आगे आते हैं सवाल नंबर दो की जानिब। तो गुलशन, जंगल, खेत और वादी को अब्र बहार ने क्या अता किया है? अब्र बहार ने इनको मोतियों का खजाना अता किया है। कैसे अता किया है मोतियों का खजाना? तो अब्र बहार जब बरसता है, बहार के मौसम में बादल बरसता है, तो खेतों के ऊपर, जंगलों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर और फूलों के ऊपर, फूलों की पत्तियों के ऊपर, पौधों की, पेड़ पौधों के ऊपर शबनम के कतरे जमा हो जाते हैं, ओस के कतरे जमा हो जाते हैं जिसे शबनम कहते हैं। वो पानी के छोटे छोटे कतरे जिस तरह से जमा होते हैं तो वो मोतियों की मानिंद लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे मोती पड़े हुए हैं, तो हर तरफ मोती बिखर गए हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि उनको गंजे गुहर अता कर दिया, मोतियों का खजाना दे दिया, जगह जगह मोती बिछे हुए हैं, मोती बिखरे हुए हैं।
तो यहां पर आपको लिखना है कि जंगल गुलशन, जंगल खेत और वादियों को अबरे बहार ने मोतियों का खजाना अता किया है। यहां मोतियों के खजाने से मुराद शबनम के कतरों से है। सभी तरफ शबनम के कतरे मोतियों की तरह गोल गोल छोटे छोटे से बिखर गए और फजा की चमक भी उनके अंदर आ गई है, तो वो मोतियों जैसे नजर आ रहे हैं। तो इन सबको गंजे गुहर या मोतियों का खजाना अता किया है। आगे आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। आपको इनके जवाब अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं बच्चों। अबरे बहार की वजह से फसलें बहार के लुत्फ में इजाफा क्यों हो गया है? अबरे बहार की वजह से फसलें बहार, अबरे बहार, बहार के मौसम में होने वाली बारिश के बादल, बहार के बादल, और फसलें बहार, बहार का मौसम। बहार का मौसम तो आता, लेकिन बहार के मौसम में जो लुत्फ है वो लुत्फ अबरे बहार की वजह से है, क्योंकि जब अबरे बहार बरसा तो फूलों के अंदर कशिश पैदा हो गई, जंगलों के अंदर कशिश पैदा हो गई, शादाबी आ गई, सैराबी आ गई, और नए नए नज़ारे पैदा हो गए। रेगिस्तान भी सब्ज़ा हो गया है, गुलशन रंगीन हो गया है, नए नए रंग के वहाँ पर फूल खिल गए हैं। ये सब क्यों हुआ है? बारिश की वजह से, अबरे बहार की वजह से। तो बहार के मौसम तो है ही दिलकश, साथ ही अबरे बहार ने उसकी दिलकशी को और बढ़ा दिया है, उसके अंदर मदहोश करने वाली चीज़ों को और भर दिया है। देखिए, अबरे बहार की वजह से फसलें बहार के लुत्फ में इजाफा इसलिए हो जाता है क्योंकि अबरे बहार की वजह से माहौल में शादाबी आ जाती है। शादाबी, तरावट, ताजगी, हर तरफ दिलकश मंजर हो जाते हैं। रेगिस्तान में भी सब्जा लहलाता है और फूलों की खुशबुओं से चमन महका रहता है। अगर अबरे बहार नहीं आए तो रेगिस्तान में सब्जा कैसे उगेगा? जमुर्रदी कैसे होगा रेगिस्तान? तो हर तरफ सब्जा ही सब्जा, हरियाली हरियाली हो गई है, नज़ारे बहुत खूबसूरत हो गए हैं। और खूबसूरत किसकी वजह से हुए हैं? अबरे बहार की वजह से। मौसम में बहार तो आता, लेकिन ये शादाबी और ये सैराबी जो आई है ये मौसम में बहार की वजह से नहीं, मौसम में बहार के अंदर आने वाली बारिश की वजह से है, अबरे बहार की वजह से है। जवाब लिख लें इसका। आगे आते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। ये पूछता है आपसे कि शायर ने सहरा को जमुर्रदी क्यों कहा है? जमुर्रदी, मैंने आपको बताया था, जमुर्रद यानी पन्ना, एमराल्ड, हरे रंग का एक कीमती पत्थर होता है, सब्ज रंग का कीमती पत्थर होता है। तो जिस तरह से वो पत्थर हरा होता है, इसी तरह से सब्जे से रेगिस्तान भी हरा भरा हो जाता है। और सब्जा कैसा आया? अबरे बहार जब रेगिस्तान में बरसा तो पीला रेगिस्तान हरा भरा हो गया, हरियाली उसके अंदर भर गई है। देखिए इसका जवाब। शायर ने सहरा को जमुर्रदी इसलिए कहा है क्योंकि अबरे बहार से रेगिस्तान में भी सब्जा लहलाने लगता है और सहरा भी जमुर्रदी, जमुर्रद हरे की नज़र आता है, सब्जा नज़र आता है, हरा भरा नज़र आता है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है इसका जवाब कि अबरे बहार की वजह से रेगिस्तान हरा भरा हो जाता है और इसलिए उसको जमुर्रदी कहा है, यानी उसको पन्ने के जैसा कहा है, हरा भरा कहा है। आगे आते हैं अगले जवाब सवाल की तरफ। यहाँ पर आपको हम काफिया लफ्ज़ ढूंढने हैं। जब मैं आपको सबक पढ़ा रहा था मैंने काफिये के ऊपर काफ़ी जोर दिया था और इसीलिए आपको जोर दिया था कि आपको काफिये के बारे में पता चल जाए, काफिये की पहचान आ जाए। काफिया और रदीफ दोनों चीज़ें साथ होती हैं, लेकिन रदीफ हमारे कोर्स में नहीं है, काफिया हमारे सिलेबस में है। यहाँ आपको काफिया हमारे नज़्म के अंदर छाँटना है। किताब खोलिए और पीछे दोबारा नज़्म निकालिए और इनके हम काफिये आपको ढूंढने हैं। घटाएँ, जमुर्रदी, लुटा रही हैं, महक और फजा। आगे चलते हैं हम, मैं बताता हूं आपको इसके। घटाएं, हवाएं, घटाएं का हम काफिया क्या है? हवाएं। जमुर्रदी, गोहरी। लुटा रही हैं, आ रही हैं, ये हम काफिया हो गए, लुटा रही हैं, आ रही हैं। महक, लहक। फजा, हवा। ये हो गए हम काफिया अल्फाज जो आपने किताब में मिलाया, अभी किताब में देखे। और इसको आपको जहन में रखना है कि किसी भी नज़्म के अंदर आपको ढूंढने के लिए कहा जाए, निकालने के लिए कहा जाए, तो हम काफ़ी अल्फाज को आप फौरन निकाल दें। इतनी तरीके से आपको, इस तरीके से आपको इसको समझ लेना है। आगे आते हैं अगले सवाल की जानिब। यहाँ आपको कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, शादाब, लुत्फ, महक, गुलशन, रंग। इनको जुमले में इस्तेमाल करना है, जुमला बनाना है आपको। और जुमला बनाने का तरीका मैंने आपको बताया कि मैं आपके सामने जुमला बना के लेकर आया हूँ, आपको इसकी नकल नहीं करनी, इसके अलावा आपको नए जुमले आपको तैयार करने हैं इन अल्फाज को लेकर।
शादाब यानी तरोताजगी, तरावट। तो देखिए बरसात से जंगल शादाब हो जाते हैं, बारिश जब आती है तो जंगल शादाब हो जाते हैं, ताजगी आ जाती है जंगलों के अंदर। लुत्फ, हामिद को आम खाने में बड़ा लुत्फ आता है। आपको क्या खाने में लुत्फ आता है आप वही लिख दीजिए कि मुझे सेब खाने के अंदर लुत्फ आता है, या कुछ और चीज़, कोई पकवान खाने में आपको लुत्फ आता है, कोई नेमत खाने में आता है, उस नेमत का आप नाम लिख दीजिए कि अपना नाम लिख दीजिए कि मुझे ये चीज़ खाने के अंदर बड़ा लुत्फ आता है। महक, महकना, खुशबू, फूलों की खुशबू से पूरा गुलशन महक रहा है, फूलों की खुशबू से पूरा गुलशन महक रहा है। खाने की खुशबू से पूरा घर महक रहा है। कोई खाना बना और उसका नाम लिखिए, तो आपको अपने हिसाब से इसके जुमले बनाने हैं। यहाँ से आपको नकल नहीं करनी, आपको तरीका सीखना है कि जुमले कैसे बनाते हैं। फिर कोई दूसरा मौजू ढूंढिए, टॉपिक दूसरा ढूंढिए, लफ्ज़ ये कि यही रखने हैं आपको, और इन लफ्ज़ से दूसरे टॉपिक के ऊपर, दूसरे मौजू के ऊपर जुमला बना देना है। गुलशन, गुलशन में मुख्तलिफ किस्म के फूल खिले हुए हैं, गुलशन यानी चमन, बाग। और रंग, तोता सब्ज रंग का परिंदा होता है, सब्ज रंग का परिंदा होता है, तोता देखा है ना आपने सभी ने। इस तरह से आपको जुमले बना लेने हैं। आगे आते हैं, यहाँ पर अब्र बहार एक लफ्ज़ दे रखा है जो दो अल्फाज से मिलकर बना है, दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, अब्र और बहार, और इसमें इजाफी कर दी, तरकीब लगा दी और अब्र बहार इसको कर दिया गया है। इस तरह के पांच और आपको अपनी नज्म से ढूंढ कर लिखने हैं। मुझसे पहले आप वीडियो को रोक कर पहले से ढूंढ कर रख लीजिए कर गया, और जब हम करें तो उसको यहाँ पर मिलान कर लीजिए। तो अब्र बहार, इसी तरह के पांच आपको ढूंढने हैं। देखिए अब्र बहार की तरह तरकीब पर इजाफी के पांच और मिसालें नज्म से तलाश करके लिखिए। पहली है सहन गुलशन, गुलशन का सहन, गुलशन का आंगन। दूसरी है गंजे गुहर, गुहर का खजाना, मोतियों का खजाना। किनारे जू, नदिया का किनारा, दरिया का किनारा। फसल बहार, बहार की फसल। और मंजर कुहन, कुहन मंजर, पुराने मंजर जो कुहन पड़ चुके हैं। तो इन सबको इस तरह से आपको नज्म से ढूंढा है मैंने, आपको अपनी कॉपी के अंदर इसको लिख लेना है। सारे सवाल और जवाब हमारे मुकम्मल हो गए हैं, सभी को आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और साफ शफाफ अल्फाजों में लिखना है, सही तरीके से लिखना है। इसी के साथ हमारा सबक यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।